टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ A1 साइकिल्स मिस्टर ओंकार सिंह पावा। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हिम। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स को अपने वर्ड्स में दीजिए प्लीज। माई सेल्फ ओंकार सिंह पावा, मैनेजिंग डायरेक्टर A1 साइकिल्स। हमने अभी टाइगर श्रॉफ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है A1 साइकिल ने, और जो हमने एड फिल्म भी बनाई है टाइगर श्रॉफ के साथ, और हमारी जो भी प्रमोशन 2019-20 में होगी वो टाइगर श्रॉफ के साथ ही होगी। डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर टाइगर के साथ जो हमने फिल्म एड फिल्म बनाई है वो चलेगी, डिजिटल में, प्रिंट में और सब मीडिया में हमारा टाइगर के साथ जो शूट हुआ है डिजिटल का, प्रिंट का और वीडियो का, वो सब उसी के साथ हमारी प्रमोशन होगी। और टाइगर एक बहुत फिटनेस फ्रीक है, और उसको देखते हुए भी आज ये यंग बच्चों में, यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसीलिए हमने उसको साइन किया है अभी, ताकि इसकी पॉपुलैरिटी भी जैसे बढ़ रही है तो हमारी A1 की पॉपुलैरिटी भी साथ साथ बढ़ेगी, और हम इस साल एटलीस्ट 50 नए मॉडल साइकिलों के बाजार में उतारेंगे। सर, इस कंपनी को एटलीस्ट कितने ईयर्स हो गए? 68 ईयर्स हो गए कंप्लीट हुए। हाँ जी, 68 ईयर्स हो गए हैं जी, और हमने पहली बार ये कोशिश की है भी हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को अपने साथ एसोसिएट करें। आज तक हमने ब्रांड एम्बेसडर को एसोसिएट नहीं किया, ये पहली बार है, और उम्मीद करते हैं भी ये जो हमारी एसोसिएशन टाइगर के साथ है इससे हमारी कंपनी की सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो जैसे हम देखते हैं साइकिल लुधियाना में तो स्पेशल बहुत ज़्यादा लोग साइकिल को लेके अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइकिंग्स लोगों में इंक्रीज़ होती जा रही है कि साइकिलिंग की तरफ वो लोग फोकस भी कर रहे हैं, तो आपको भी ये चीज़ फील होती है कि साइकिलिंग को लोगों को इन फ्यूचर कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए, साइकिलिंग को लोग पसंद कर रहे हैं, सुबह आप देखते हो लुधियाना में भी और भी बड़े शहरों में बहुत साइकिलिंग क्लब बन गए हैं, लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के साथ एक गुजारिश है, काफ़ी देर से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हर शहर में साइकिलिंग ट्रैक बनने चाहिए, और साइकिलिंग ट्रैक बनेंगे तभी साइकिलिस्ट सेफ होंगे। अभी तो लोग सुबह सिर्फ एक्सरसाइज के लिए साइकिल करते हैं, हम तो ये चाहते हैं भी लोग अपने कारोबार में, अपने काम के लिए भी साइकिल पे जाएं और साइकिल से आएं, जिससे एनवायरनमेंट भी अच्छी रहेगी, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर वो एक आदमी अगर सुबह साइकिल पे अपने काम में जाता है और साइकिल से आता है, अगर वो कम से कम दिन में 40-45 मिनट अगर साइकिलिंग कर लेता है तो उसको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। अगर वो कार से या स्कूटर से भी जाता है तो भी उसको इतना ही टाइम लगता है, तो अगर वो साइकिल से जाएगा तो उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एनवायरनमेंट भी अच्छी रहेगी। और इसीलिए हमने सरकार को बार बार ये कहा है कि आप हर शहर में अच्छे साइकिलिंग ट्रैक बनाएं। सर, एक चीज़ आप हमें बताइए कि आपने जैसे बताया कि टाइगर श्रॉफ को आपने आगे इस चीज़ के लिए प्रमोट किया है कि वो, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे इस चीज़ से इस कंपनी को कितना बेनिफिट होगा? हम उम्मीद रखते हैं भी एटलीस्ट 25-30% हमारी सेल बढ़नी चाहिए अगर हमने टाइगर ने हमारी प्रोडक्ट को इंडोर्स किया है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।